जनपद मुरादाबाद के थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत करणपुर नगला पुलिस चौकी में फिर एक बार अपने ही बड़ी बहन और भांजे की गाली गलौज और मारपीट से तंग आकर महिला ने थाना मोड़ा पांडे में शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई। आपको बता दें कि शाहाना निवासी मुड़िया इतवाली ने अपनी बड़ी बहन उल्फत निवासी गोविंदपुर खुर्द की जबरदस्ती से पहले पति और अपने एक 5 वर्षीय बेटे को छोड़कर लियाकत निवासी करणपुर से शादी करा दी थी, जिसके चलते 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उसकी बड़ी बहन उल्फत और उसके भांजे का रवैया नहीं बदला और अब वो तीसरी जगह शादी कराने की कोशिश कर रही है। महिला ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं तीसरी शादी का विरोध करती हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट करते हैं। मोड़ा पांडे पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। मोड़ा पांडे पुलिस ने महिला को आश्वासन दिया है कि उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। मैं मुड़िया की रहने वाली हूँ। मुड़िया का मेरा मैका है, सहाना मेरा नाम है। मुझे मेरे भांजे ने मुंशी उसका नाम है, मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मुझे पहली जगह से छुटा कर मुझे यहाँ कर दिया तो यहाँ भी सुकून पर नहीं छोड़ रहे। और इन्होंने पैसे लिए हैं भैया, मैं बहुत तंग आ गई। 1.5 साल का मेरा बच्चा मेरे साथ में, उस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? ये मुझे मानने की धमकी देता है। किस बात पर देता है तू मानने की धमकी? ये कौन सी बात को तू चाह रहा है? वो बात बता दी क्या बात है? जिस बात को तू चाह रहा होगा वो बात कर दूंगी मैं, फिर और क्या है। मेरी पहली शादी हुई मुझे फनावर में, मैंने अपनी मर्जी से कराया। पहले भी इन्होंने आखिरी उठाई मेरे साथ में, तब भी मैं भाग गई थी। और अभी मेरे साथ में ये किस्सा हो रहा है, बोले तुझे मार देंगे हम, तुझे ये कर देंगे और तुझे ये कर देंगे। मेरी है ना यहाँ की गोमनपुर की सेबोवारी मिलक की, और शादी कराई है मेरे कानपुर में। पति मेरा सही रखती है, पति मेरे से कुछ नहीं कहते हैं। वो यही शिकायत करते हैं कि देख तेरी बहन ऐसा कह रही है, तेरा भांजा ऐसा कह रहा है। उन्हें भी गाली बहुत सारी देते हैं, वो भी कुछ नहीं कहते हैं। वो बर्दाश्त कर लें भैया, 2.5 साल हो गए बर्दाश्त करते करते। मुकदमा कराऊंगी, अब नहीं मानूंगी। मुझे 2.5 साल हो गए बर्दाश्त करते करते भैया। क्या कहना है आपकी बहन का? उनका उल्फत है। भांजे का नाम क्या है? मुंशी। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग कर दिया।